राजगढ़ में भी सीएम शिवराज ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की, चुनाव में वोट डालने की अपील की है। सीएम ने जिले में 216 पार्षदों के लिए वोट की अपील की है। इधर इस दौरान सीएम ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई हिंदी में कराने की बात कही है। वहीं संबल योजना में कांग्रेस के समय काटे गए नामों को फिर से जोड़ने की बात भी सीएम शिवराज ने कही है। उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, लॉ कॉलेज कहीं भी होता है, तो फीस भले ही 8-10 लाख रुपया साल हो, उनकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? आज वो बेटियां भी मिली, लेकिन बेटों तो मैं भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा। मैंने संबल योजना बनाई और संबल योजना में तय किया, और संबल योजना में सारे गरीब शामिल, 2.5 एकड़ का किसान भी शामिल। हमने तय किया कि संबल योजना के अंतर्गत जितने परिवार आते हैं, उन परिवारों में अगर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दिए जाएंगे।